नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष डॉक्टर रवि गुप्ता और संपूर्ण मीन राशि वाले अप्रैल माह के राशिफल में मैं अपने चैनल ब्रह्म ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। मीन राशि वाले, अप्रैल माह का संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या भगवान ने इस महीने आपकी किस्मत में बनाई है। उससे पहले गोचर जगत की कुछ बातें करता हूं, क्योंकि गोचर ही निर्माण करता है कि आपका जो है जीवन कैसा रहने वाला है। 7 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में बुध आदित्य की उत्पत्ति रहेगी, क्योंकि सूर्य और बुध साथ में रहेंगे। परंतु 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में चले जाएंगे, उच्च अवस्था में चले जाएंगे। 7 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के मध्य में जो है मंगल, माफ करेंगे, बुध जो है नीच अवस्था में रहेंगे, और मंगल का, बृहस्पति का और शनि का साथ में आय स्थान में विचलन होना क्या वाकई में बहुत जबरदस्त धन की योग बनने वाले हैं। सभी जानकारियों के साथ चलिए बढ़ता हूं आपकी ओर मीन राशि वाले अप्रैल माह का राशिफल की ओर। मीन राशि वाले, स्वयं लग्नेश नीच के हो रहे हैं, जो शुभ संकेत नहीं है, परंतु आय स्थान में हो रहे हैं। आय स्थान में लग्नेश नीच का होना, बृहस्पति नीच का होना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता है। यानी कहीं ना तो कहीं बृहस्पति जहां बैठते हैं वह शुभ फल नहीं देते हैं। आय में थोड़ी सी यह कमी तो निश्चित तौर पर आपको करेगा, कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे थोड़ी सी बाधाएं उस पर निश्चित तौर पे करेगा, परंतु यह जहां जहां देखते हैं उसके लिए विशेष लाभकारी होता है। यानी पांचवें दृष्टि से यह पराक्रम क्षेत्र को देख रहे हैं, जो यह दिखाता है कि कुछ लोगों के सहयोग के कारण इस महीने आपको धन की प्राप्ति होगी, इस महीने सफलता की प्राप्ति होगी। सातवें दृष्टि से यह पंचम हाउस को देख रहे हैं, जो यह स्पष्ट दिखाता है कि उच्च का राशि कर्क पे जो अचानक इस महीने आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि पर्याप्त आपके लिए विशेष कर रहने वाला है। और नौवें दृष्टि से सप्तम हाउस को देख रहे हैं, जो यह दिखाता है कि व्यापार के जगत में थोड़ी सी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आपके लिए तो विशेष लाभकारी रहने वाला है। जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड है, 14 अप्रैल के बाद आपके लिए जो है जो भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, कानूनी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, कुछ शत्रु आपके पदोन्नति में या सफलताएं में जो बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, या सरकारी नौकरियों में सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो 14 अप्रैल के बाद जो है इन सभी समस्याओं का समाधान आपका मिल जाएगा। या मैंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है, आप पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वाले लोगों के लिए विशेष लाभकारी, लेकिन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए ठीक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठेकेदारी के क्षेत्र में है अच्छा है। पॉलिटिशियन के लिए महीना थोड़ा सा आय स्थिरताएं और बाधाओं से रिलेटेड रहने वाला है। साथ में जो व्यक्ति होटल से रिलेटेड या रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपका 7 अप्रैल तक तो ठीक रहेगा, लेकिन 7 अप्रैल तक थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी, लेकिन 7 अप्रैल के बाद जो है थोड़ी सी इन समस्याओं में समाधान मिलेगा। यानी जो व्यक्ति वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कह सकते हो रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, खाने पीने से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, 14 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होगी, अतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्र में है, आपका ही महीना बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। इस महीने आपको थोड़ी सी समस्याओं का निश्चित तौर पर करना पड़ सकता है। इस महीने आपको विशेषकर सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति नीच का है, जो व्यक्ति पशुपालन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति खाद बीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी। सेल्स से रिलेटेड बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 14 अप्रैल तक तो ठीक है। 14 अप्रैल के बाद सेल्स से रिलेटेड जो व्यक्ति है, आपको थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। धन का मालिक आपकी जन्म पत्रिका में मंगल उच्च के हो रहे और धन स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, ये विशेषकर एक राजयोग बनता है। तो कहीं ना तो कहीं यह दिखाता है कि धन संबंधित आपको इस महीने लाभ मिलने वाले हैं। धन संबंधित इस महीने जो है आपको कमी नहीं होगी, लेकिन बहुत संघर्ष की बात कर रहा हूं मैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। जो विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश यात्रा से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, आपके लिए विशेष लाभकारी है। जो लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए महीना काफी उन्नति कारक होने वाला है, क्योंकि स्वयं सातवें दृष्टि से बृहस्पति ही देख रहे हैं उसको। हालांकि बृहस्पति का नीच का होना यह भी दिखाता है कि आप कुछ नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहेंगे तो बाधाएं उत्पन्न होंगे। बात उन लोगों के लिए अवश्य करना चाहूंगा जो प्रेम संबंध में चल रहे हैं, तो प्रेम संबंध आपके इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे। परंतु प्रेम से टू विवाह जो अगर करना चाहते हैं, लव टू मैरिज जो करना चाहते हैं, आपके लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला नहीं है। 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में जो है वैवाहिक जीवन जो है बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, और प्रेम
तो चलेगा, लेकिन विवाह से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होंगी। यानी इस महीने विवाह में आपको 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में कोई भी बड़ा फैसला ना ले, सोच समझ कर विवाह करें तो बेहतर रहेगा। अगर इसके मध्य में अगर कोई नया रिश्ता आता भी है तो आप बहुत निर्णय लें, नहीं तो हो सकता है कि नीच का बुध जो है कुछ गलत फैसले आपको दिला सकता है। बात उन लोगों के लिए अवश्य करनी चाहिए जो अपने संतान से रिलेटेड चिंतित रहते हैं। तो इस महीने संतान जो है अस्वस्थ थोड़े से रहेंगे, संतान आपके सफल होंगे लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। दांपत्य जीवन बहुत अच्छा 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य में नहीं रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। जो संपत्ति परचेज करना चाहते हैं या संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है मीन राशि वाले। परंतु जन्म पत्रिका में गोचर की जगत में यह एक स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि इस महीने अचानक धन की प्राप्ति ही पूरे महीने को आपको सफल बनाएगा, क्योंकि आप अत्यधिक दयालु हैं, भावुक हैं और हमेशा चाहते हैं कि अपने से छोटों की सहायता करें, अपने से गरीबों की सहायता करें। तो इस महीने वही लोग आपको धोखा देंगे। यानी किसी की भी सहायता करने से पहले 20 बार आप सोच लीजिएगा, छोटे ही आपके जो नजदीकी रहेंगे या जिससे आप अत्यधिक प्यार करेंगे वही सबसे बड़े शत्रु आपके बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन तो मैं बता ही रहा हूं कि बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। माता पिता से रिश्ता की बात अगर करता हूं, माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, पिता का भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। पिता स्थान का स्वामी स्वयं नीच के हो रहे हैं, हो सकता है आपके पिताजी से थोड़ी मतभेद हो जाए, पिताजी कुछ ऐसे कर्म कर देंगे जिसके कारण आप थोड़े से दुखी हो जाएंगे, पिता के द्वारा धन की हानि भी दिखती है। अतः इस महीने जो है आप कोई भी निर्णय, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले स्वयं पे विश्वास रखें। कोई जरूरी नहीं है कि पिता के पास विश्वास रख के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें सफल ही हो जाए। तो एक बहुत बड़ा फैसला लेने की बात रहेगी। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करता हूं तो स्वास्थ्य इस महीने आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य का मालिक जो है स्वयं नीच का हो रहा है बुध, यानी पेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड और 7 अप्रैल तक जो है नेत्र की और सिर दर्द से परेशानियां तो आपको चली रही हैं। थायराइड वालों की समस्या बढ़ जाएंगी, बीपी वालों की समस्या बढ़ जाएंगी, गले के रोग वालों से समस्या बढ़ जाएंगी। अतः इन सभी को ठीक करने के लिए जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो हनुमान चालीसा के इस महीने पाठ करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो ओम प्राम ओम रम राहुए नमः या फिर प्लास पुष्प संकासम तारका ग्रामस्तकम रौद्रम रदातकम घोरम तम केतु प्रणमाम में हम, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मछलियों को दाना देना इस महीने बहुत बेहतर रहेगा, तब आपके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे और केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ परेशानियां चल रही थी वह इस महीने 100% सॉल्व हो जाएगा। मीन राशि वाले, संपूर्ण राशिफल मैंने अप्रैल माह का बताया है, साथ में मैंने आपको उपाय भी बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलती रहे। आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छी जानकारी के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिष डॉक्टर रवि गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्म ज्योतिष ज्ञान। नमस्कार।